झारखंड के धनबाद जिले में SSLNT महिला विद्यालय और अन्य कॉलेज के छात्र छात्राओं ने उपायुक्त को ज्ञापन देकर ऑटो किराया को पुनर्निर्धारित करने की मांग की है। इस बवाद छात्रों का कहना है कि वह लोग आर्थिक रूप से गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं। ऐसे में उनके भाई बहनों को प्रत्येक दिन धनबाद आकर कॉलेज में पढ़ने के लिए काफी पैसे भाड़े के रूप में खर्च करने पड़ते हैं, जो कि उनके अभिभावकों के लिए चुका पाना मुश्किल साबित हो जा रहा है। इससे उनकी पढ़ाई में रुकावट आ सकती है। इसके चलते छात्रों का कहना है कि ऐसे में ऑटो किराए को कम किया जाना चाहिए और डीजल के दाम बढ़ोतरी होने पर ऑटो किराया बढ़ाया जाए। लेकिन वर्तमान में ऑटो चालकों की मनमानी की वजह से वह लोग काफी परेशान हैं तथा उन्हें उनकी पढ़ाई में रुकावट आ रही है। ऐसे में छात्र छात्राओं को इस समस्या से निजात दिलाया जाए। HBN न्यूज की खास रिपोर्ट। उपायुक्त को किस लिए ज्ञापन दी हो? हम लोग इसलिए की है ना कि क्योंकि ऑटो का जो किराया है इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम लोग आने में असुविधा और इन्हें हम लोग पैसा नहीं दे सकते। हम लोग बार बार कॉलेज आना पड़ता है और हम लोग गरीब परिवार से हम लोग कहाँ से इतना ज्यादा किराया देंगे। आम जनता को बहुत क्या क्या मांग रख रही हो DC के सामने? मांग ये रख रहे कि पहले की जैसा ही किराया को कम कर दिया जाए और अगर तेल का दाम अगर बढ़े तभी बढ़े और घटे तो किराया को घटा देना चाहिए। आप लोग कहाँ से आते हैं? हम लोग भुली से हैं और बहुत दूर दूर से। हम लोग तो कितना भाड़ा लगता है भुली से आने में? भुली से 20 रुपए लेता है एक तरफ से। हाँ, 80 रुपए हम लोग खर्च हो जाता है। उतना मेरे पापा एक दिन में नहीं कमा पाते हैं। दो भाई बहन हम लोग को कॉलेज कैसे आ पाएगा? क्या नाम है? मेरा नाम रागिनी कुमारी है।